इन दिनों बॉलीवुड के दो जिगरी यारों को लेकर खूब चर्चा हो रही है। चर्चा इन दोनों के बीच आई दूरियों की वजह से है। हाल ही में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अपने बीच आई दरार को दूर करने की पूरी कोशिश तो की थी, लेकिन मालूम होता है कि ये कोशिश काफी नहीं थी, जिसके चलते एक बार फिर दोनों के कोल्ड वॉर की खबरें आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के भाई संजय दत्त और सलमान खान के दोस्ताने की। हाल ही में कुछ ऐसा वाक्या सामने आया है जिससे साफ पता चल रहा है कि संजय अभी तक सलमान से नाराज हैं। भले ही इंटरव्यू में सलमान के लिए प्यार जता चुके हो, खुलेआम उन्हें अपना भाई बता चुके हों, लेकिन संजय की नाराजगी कम होती नहीं लग रही है। दरअसल अपनी कमबैक फिल्म भूमि की स्क्रीनिंग पर संजय दत्त ने शाहरुख समेत बॉलीवुड के कई लोगों को इनवाइट किया, लेकिन अपने भाई सलमान खान को ही न्योता नहीं भेजा। आगे जाने संजय ने ऐसा क्यों किया और जाने कैसे शुरू हुआ दोनों का ये कोल्ड वॉर। मिले थे गले, लेकिन संजय दत्त और सलमान खान भले ही मुकेश अंबानी के घर हुए गणपति सेलिब्रेशन में गले मिले हों, लेकिन इससे उन दोनों के बीच हुए पंगे की चर्चा केवल थोड़े ही देर के लिए बंद हुए थे। सलमान को नहीं बुलाया, खबर है कि संजय दत्त की कमबैक कही जाने वाली फिल्म भूमि के प्रीमियर पर सलमान खान को नहीं बुलाया गया है। तो क्या ये है माजरा? वहीं इस वाक्य के बाद मालूम होता है कि भले ही दोनों दोस्ती की बातें करते हों, लेकिन दोनों के बीच कोल्ड वार अभी भी जारी है। ये है इनवाइटेड। खबरी ने बताया 20 तारीख को संजय दत्त की पत्नी मान्यता ने भव्य प्रीमियर रखा है। भूमि की इस स्पेशल स्क्रीनिंग पर आमिर खान, शाहरुख खान, विनोद चोपड़ा, रणबीर कपूर, सुनील और मान्यता शेट्टी, राजकुमार हिरानी, करण जौहर, सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा, अजय देवगन और काजोल, अभिषेक कौर, ऐश्वर्या जैसी हस्तियों को बुलाया गया है। सलमान बिजी हैं तो मैं भी। जब इस बारे में संजय दत्त से बात की गई तो उनका गुस्से में कहना था, सलमान बिजी हैं और मैं भी हूँ, हम रोज तो मिल नहीं सकते, वो मेरे भाई जैसे हैं, तब से हैं नाराज। दरअसल संजय सलमान से जेल के दिनों से नाराज हैं, क्योंकि सलमान बिजी होने के कारण न जेल में उनसे मिलने गए और न ही रिहाई के बाद संजय से मिले। जिगरी दोस्त का न आना संजय को काफी बुरा लगा था। एरोगेन है सलमान। खबर आई थी कि दोनों के बीच किसी पार्टी में जमकर बहस हुई और संजय दत्त ने सलमान खान को एरोगेन तक कह दिया। मीडिया के सामने कुछ और, वहीं मीडिया से सामने भले ही ये दोनों अब भी एक दूसरे को भाई बताते हों, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही मालूम होती है।